अनीमिया यानी कि खून की कमी। हमारा शरीर इस अवस्था में तब पहुंच जाता है जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है। आरबीसी कम होने से खून में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो इससे पीड़ित व्यक्ति को हर समय थकान सी महसूस होने लगती है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव होम रेमेडीज। और आज हम बात करेंगे अनीमिया पर। चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ लक्षणों के बारे में। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा उसकी त्वचा और आंखों में पीलापन आ जाता है। उसे हमेशा कमजोरी महसूस होती है, साथ ही चक्कर आना, सिर दर्द, दिल की धड़कनें अनियमित हो जाना, हड्डी, छाती, जोड़ों और पेट में दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो आज हम आपको इस रोग से बचने के लिए एक आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहे हैं, और उपाय भी कैसा, घरेलू नुस्खे जैसा। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच मोरिंगा पत्ती का पाउडर। अगर आपके पास पत्ती का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी हरी पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बना सकते हैं और फिर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 चम्मच शहद। बस इन 2 चीजों से आपका ऐसा घरेलू नुस्खा बनेगा जिससे आप अनीमिया से सदा ही बचे रहेंगे। तो इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए 1 चम्मच मोरिंगा पत्ती के पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाइए और फिर उसे अच्छे से मिला लीजिए। आपका आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा तैयार। आप इसे रोजाना सुबह सुबह नाश्ते से पहले ले सकते हैं और अनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हो सके तो आप रोजाना 1 ग्लास चुकंदर का रस जरूर लें, वो आपको इस बीमारी से बचने में सहायता करेगा। इसके अलावा इससे पीड़ित व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए जिससे कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए। तो आप भी इस नुस्खे को आजमाइए और उसके बाद हमें कमेंट कर बताइएगा कि आपको इससे कितने दिनों में फायदा हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लाएं तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो जाते जाते हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और इंडिया टीवी लाइव के साथ जुड़े रहिए।